दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फग्नी 07 ऑफिशियल में। तो आप ही देख सकते हैं कि घर में धीरे धीरे सब फैमिली लोग आने लगे हैं। और कहाँ गई थी तू? गए थे ऊपर देखने के लिए, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, सबको अभी तैयारी हो रही है। अभी जो आते हैं लड़के की तरफ से लगन लेकर के वो आए हैं। और ये अभी क्या कल्टी मार रही है, दक्ष को सुलाने के लिए। दक्ष सोने जा रहा है क्योंकि परेशान हो रहा है दक्ष। और आपको दिखाते हैं कि सबको घर में परिवार लोग आए तो वहाँ पे खाना हम लोग बनाने के लिए, देख सकते हैं कितना खाना बन रहा है। तो चलते हैं वहाँ, हम आपको लेकर के जाते हैं। तो दिखाते हैं कि इधर खाना बन रहा है और इतना बड़ा, ये इतना हमारा लंबा परिवार है कि इतना बड़ा चावल में ही बनेगा खाना पीना। और आप देख सकते हैं ये साग उग बन रहा है और उधर मसाला बन कर रेडी हो गया। और ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं, हमारे गांव के सबसे फेमस है और बहुत दूर दूर तक जाते हैं खाना बनाने के लिए। और इधर दाल बन कर रेडी हो चुका है। इधर सब्जी उब्जी भी देख सकते हैं, सब्जी उब्जी रखा हुआ है। मनु, आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं। हम इसलिए सब हमारे घर में आपको सब अभी बाल जो है मुंडन किया हुआ मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग के घर में मेरे भाई को तो जो डेट कर गए थे, इसी कारण से ऐसा हुआ। अभी मिलाते हैं कुछ, अभी थोड़ा मोड़ा परिवार आए हैं। ये मेरा भतीजा है, नाम है राहुल, और ये हमारे साले जी हैं। और इधर क्या कर रहे हैं? बच्चों लोग के लिए, बच्चों का बाल बांध रहे हैं। ओ हीरो, ओ बलम सामे, ये हमारे साले जी हैं अरविंद जी, बहुत ही प्यारे साले हैं। तो अभी हम धीरे धीरे करके अभी हम अपने पूरे फैमिली से मिलवाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और ये रहा चुलबुल पांडे, जिसको हम लोग प्यार से चुलबुल पांडे बोलते हैं। कल शादी में पूरा मजा किया ना, शादी में बोलते तिलक में, हाँ पूरा मजा किया। तो फ्रेंड, अभी आपको दिखाते हैं कि जीवा रिहर्सल कर रही है डांस का, क्योंकि वो आज डांस करने वाली है डीजे में। तो देखिए दरवाज़ा बंद करके डांस कर रही है। तो फ्रेंड, ये अभी बहुत ज़्यादा बिजी रह रही है, जा रहे हैं जल्दी से छत पे। वो छत है ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम अभी तो यहाँ दक्ष को सुला रहे थे, तो अभी दक्ष सो गया है, तो आप दक्ष को देखिएगा, हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो चलो तुम भी चलो, हम पीछे से आते हैं, ऐसे हम दक्ष को देखते हैं अभी, ठीक है। फ्रेंड, अभी हल्दी रस्म का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है और अभी देख रहे हैं हल्दी पिसाई हो रहा है। दक्ष भी सो करके उठ गया है, और नहीं सो सकता था, थोड़ा देर और सोता बेटा। अरे जा मामा के पास। तो फ्रेंड, अभी तो अभी लेके चलते हैं आपको जहाँ पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है उधर, हम आपको लेकर के शायद नहीं जा पाएंगे। इतना अच्छा गोर भला आदमी को क्या लगा कर रहे, गोरा करेंगे। तो हल्दी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी चाची माँ है जिन्होंने सबसे पहले उपटन लगाया। और फगुनिया भी देखिए इसके कैसे कर दिए ये मुँह का निस्कान। हमारी भाभी आई है। Oh,
तो छत के ऊपर कर रहे हैं हम लोग ये कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पे धूप थोड़ा ज्यादा है। तो इसी तरह हम लोग उगटन लगाते हैं, ऐसे हल्दी रसम को हम लोग उगटन बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फगुनी आई है, अब आएगा बढ़िया। तो मोनू ने कुछ बोला फगुनिया को क्या होना, और अभी ये आ गई है शरबत बनाने के लिए सभी लोगों के लिए, जो 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 लोग हल्दी का रसम में आए हैं। तो वो लोग क्या है ना, धूप में थक गए हैं, तो इसीलिए आज ये इतना बड़ा बाल्टी में ही घोल रही है। और ये मेरी भाभी है, ये कैचेस कट जाता है। तो सभी को पिलाया जाएगा और ये जल्दी जल्दी कर रही है। देखना ज़्यादा मीठा मत कर देना, शरबत पी करके जाइएगा। हल्दी का रसम उधर चल रहा है और इधर सब घर वाले खाना खा रहे हैं, हम देख सकते हैं। आराम से खाना है, कुछ बचने मत देना। बच्चे लोग खा रहे हैं, इधर भी सब लग गया। अरे तुम खाया, बहुत देर से नहीं था तुम, इसको तो खाने। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इसीलिए डूब जा रहे सोने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।